चलिए ओके। तो आज के रैपिड फायर 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। ये वीडियो आपकी यूपीएसआई और यूपी टेट में काम आने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा है, ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू क्या है, के का मान निकालना है। तो देखो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तीनों की वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। तो पहला हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू के है, क्या है, के है, तो के वाई वन लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर सी का के में गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सी के। आई होप इतना समझ में आया होगा, इक्वेशन नंबर वन हो गई। दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे क्या है, बी प्लस सी अपॉन a इक्वल टू क्या है, k, तो k by 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका, b plus c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a और k, a किसका, ये और k दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा वाला पॉइंट देखो, c plus a अपॉन b बराबर क्या है, k है, तो k by 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कांसेप्ट है बिल्कुल, तो ये c plus a इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, बी और के, बी और के। अब ये देखो इन सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर वन टू थ्री तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ए कितनी बार है, एक, दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर में, इसमें k कितनी बार है, तीन बार, तो k ले लो, कॉमन k क्या कर दिया हमने, कॉमन ले लिया, इसमें क्या मिला हमें, a प्लस b प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि k का जब मल्टीप्लाई होगा तो a k बन जाएगा, k का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा तो b k बन जाएगा, और k का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा तो c k बन जाएगा। तो अब ये देखो a b c से a b c कट गया तो क्या बचा, दो बराबर 2 इक्वल टू के, के की वैल्यू क्या आ गई है, 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप परेशान मत होना, क्वेश्चन आपको आगे हम समझा देंगे, बता दिया जाएगा, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, एक भिन्न का हर, भिन्न क्या होती है, p अपॉन q, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या क्या संख्या होती है जिसको p अपॉन q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न को क्या बोलते हैं, p अपॉन q या x अपॉन y, कुछ भी अपन लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा, q, ठीक है, एक भिन्न का हर, सॉरी, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश कितना है, p है, इस फ्रैक्शन का जो हर है, हर मतलब नीचे वाला नंबर, अंश के दुगने से, अंश कितना है, p है, ऐसे समझ लो, फिर से समझ लो, क्वेश्चन में एक भिन्न का हर, पहली वाली लाइन पढ़े क्वेश्चन का, एक भिन्न का हर, हर मतलब नीचे वाला नंबर, एक भिन्न का हर जो है वो अंश के दुगने से, अंश कितना है, पी, पी का दुगना 2p के दुगने से एक अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, और ऊपर अंश कितना है, पी, एक अधिक है, ये अपनी क्या बन गई, भिन्न बन गई, ये क्या बन गई है, भिन्न बन गई। फिर से सुन लो, भिन्न हमारी नॉर्मल क्या होती है, p अपॉन q के रूप में, ठीक है, p अपॉन q के रूप में जिसको व्यक्त किया जाए वो भिन्न होती है। अब क्वेश्चन में दिया है यदि हर अंश के दोगुने से, अंश कितना है, p, हर के बारे में बात हो रही है, नीचे वाले के नंबर के बारे में बात हो रही है, तो अंश के दोगुने से, अंश कितना है, p, यानी कि इसके दोगुने से, यानी कि 2p से कितना अधिक है, एक अधिक है, प्लस 1 कर दिया, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, p अपॉन 2p प्लस 1, ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, तैयार हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है अंश में 2 जोड़ने पर, अब अंश कितना हो जाएगा, p प्लस 2, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर,
ठीक है। तो ये क्या क्या बोला था हमने कि अंश में दो जोड़ने पर, अंश में हमने कितना जोड़ दिया, दो जोड़ने पर, और हर में तीन घटाने पर, हर कितना है अभी हमारा 2p+1-3, घटाने पर प्राप्त संख्या एक होती है। कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार है, ठीक है। भिन्न में मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये p अपॉन q की वैल्यू फाइंड करनी है, p अपॉन q है क्या। तो अब ये समझना है इसको, p प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये तो 2p ही रहेगा, कितना रहेगा 2p। एक तीन में से, अगर तीन में से एक गया तो कितना बचा, माइनस का 2। बोलो क्लियर है, हाँ क्लियर होगा इतना। अब ये देखो, p और p को एक साइड कर दो, नंबर नंबर को एक साइड कर दो, ये दो इस साइड आ जाएगा, तो 2+2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2p-p। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 4, p इक्वल टू कितना हो गया 4। अब p की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ 2p+1 कितना हो जाएगा 2 × p, p की जगह कितना लिखना है 4+1, यानी कि p अपॉन q में क्या आ जाएगा, p कितना हो गया 4 अपॉन q, हर वाला नंबर कितना 4 × 8 = 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 4/9। आई होप आपको समझ में आया हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, जहां समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से आप प्ले बैक करना और आप उसको देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3rd अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd है, ये क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं, समझ लीजिए इसको। चलिए 1+1/2 + 11^2 + 111/2 प्लस 1000 1/2, ये क्वेश्चन है आपका, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, आगे जो नंबर है इनको जोड़ दो, आगे जो नंबर है इनको जोड़ दो, तो अधिकतम कितना है 4 तक है, तो इसको लिख दो 1, 2, 3, 4, ये इसका एडिशन हो गया, आप अलग से जोड़ लेना रफ में, ठीक है। प्लस अब आधा, ये आधा और आधा कितना हो गया 1, और आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, 1 और 1, यानी कि इन दोनों से मिलके 1 बना, और इन दोनों से भी मिलके 1, 1 और 1, 2, यानी कि कितना हो जाएगा 1236। इनको आप अलग से जोड़ लेना, पहले हमने क्या किया 1111 और 1111 को जोड़ा, तो उन सब का टोटल आया 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, ये एक बार लिखा, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, जितनी बार अधिकतम लिखा वहां तक गिनती लिख दो, टोटल हो जाता है अगर वन का रिपीटेशन हो, ठीक है। चलिए ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पूछा था, इसका मान निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1, 2, 3, 6, इतना क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, चलिए ओके, फिर है किसी संख्या के 3/4, संख्या हमने मान ली x का 3/4, किसी संख्या के 3/4 का 2/3, का 2/3 किसके बराबर है, 24 के बराबर है, बराबर कितना है 24 के बराबर है। तो पहले तो हम संख्या निकाल लें, पहले क्या करें संख्या निकाल लें, तो ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 48, कितना हो जाएगा x बराबर 48। कैसे किया, 3 से 3 कट गया, 2 × 2 = 4, 2 का गुणा 24 में होगा, क्योंकि ये बचेगा x/2 = 24/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x/48, इतना क्लियर है, वैल्यू आ गई। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तो उस संख्या का 1/4 क्या है, संख्या का 1/4 यानी कि 48 का 1/4, 4 से कितनी बार कट जाएगा 12, आंसर क्या हो जाएगा 12। आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एक खंबे के चार बटे, एक खंबे का चार बटे सात भाग कितना भाग, कोई खंबा है, खंबा का हमने मान लिया एक्स पार्ट है, टोटल कितने मीटर का है, एक्स मीटर का है, उसका चार बटे सात भाग कीचड़ में धसा, यानी कि एक्स का चार बटे सात भाग कितना हो जाएगा, फोर एक्स बाई सेवन, चार बटे सात भाग किसमें धसा है, कीचड़ में, जब धसे हुए भाग का यानी कि धसा हुआ भाग कितना है, चार बटे सात भाग का एक बटे तीन भाग, इसका एक बटे तीन भाग यानी कि कितना, चार एकम चार, फोर एक्स अपॉन ट्वेंटी वन, फोर एक्स बाई ट्वेंटी वन भाग बाहर खींच लिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक्स मीटर का खंबा है आपका, उसमें चार एक्स बटे सात भाग जो है कीचड़ में अंदर धसा हुआ है, अंदर है, उसका धसे हुए भाग का एक बटे तीन भाग यानी कि फोर एक्स बाई ट्वेंटी वन पार्ट बाहर निकाल लिया गया, क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, तो पाया गया कि माप आठ मीटर माप खंबा अभी कीचड़ में और है, मतलब वो कह रहा कि इतना पार्ट निकालने के बाद भी आठ मीटर खंबा अभी और नीचे जमीन में धसा हुआ है, तो देखो टोटल कितना था एक्स, एक्स में से निकल कितना गया, फोर एक्स माइनस ट्वेंटी, जब इतने में से इतना निकल गया तब भी हमारे पास कितना मीटर रह गया है धसा हुआ, आठ मीटर, तब भी कितना रह गया धसा हुआ, आठ मीटर, तो 21 में से 21 एकम 21, 21 में से चार गया तो कितना बचा, 17x अपॉन 21 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब आपसे क्वेश्चन में और क्या पूछा है, फिर आपसे, अच्छा एक मिनट, धसा हुआ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग है, लैंग्वेज में बताता हूं फिर से, क्वेश्चन में यह था एक खंबे का चार बटे सात भाग यानी कि 4x बाई 7 पार्ट धसा है, जब धसे हुए भाग का एक बटे तीन भाग, एक बटे तीन भाग यानी कि धसे हुए भाग में से किसका, धसे हुए भाग में से 4x बाई 7 में से इसका एक बटे तीन भाग किसका, धसे हुए भाग कितना था 4x बाई 7, इसका एक बटे तीन भाग कितना हो जाएगा, ये निकाला गया, अगर निकालेंगे तो कौन सा निकालेंगे, टोटल में से थोड़ी निकालेंगे, टोटल में से नहीं निकालेंगे, निकालेंगे किस में से, दस वाले वाले भाग में से, तो 4x अपॉन 7 में से कितना कम कर देंगे, 4x by 21, इसके बाद बोल रहा है कि कितना बच जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में है, यानी कि इस जो कीचड़ में जितना है उसमें से इतना निकाल दिया, अब भी बकाया कितना है 8 कितना है, क्वेश्चन में फिर लास्ट में आपसे पूछा है कि खंबे की पूरी लंबाई क्या है, खंबे की पूरी लंबाई क्या है, तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 से 3 बार जाएगा तो चौके 12x, 21 से 1 बार जाएगा तो 4x इक्वल टू 8, तो देखो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8x बटे 21 बराबर में 8, 8 से 8 काट दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, x क्या है खंबे की लंबाई, आंसर कितना हो जाएगा 21 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से बैक करना और उसको आप दोबारा देखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंबा वाला हो गया, ठीक है, सीमा एक घंटे में एक किताब का एक बटे पांच भाग पढ़ती है, हमने मान लिया किताब है कोई, किताब में टोटल एक्स पेज है, कितने हैं एक्स पेज हैं, इसका एक बटे पांच भाग यानी कि एक्स का एक बटे पांच भाग यानी कि कितना पढ़ती है एक घंटे में एक्स बाई फाइव, वो कह रही है सीमा एक घंटे में किताब का एक बटे पांच भाग पढ़ती है, ठीक कितना पढ़ती है एक बटे पांच भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को दो सही एक बटे तीन घंटे पढ़कर सो जाती है, कितने घंटे पढ़कर सो जाती है दो सही एक बटे तीन घंटे यानी कि तीन दूनी छह और एक सात बटे तीन घंटे वो क्या करती है पढ़ाई करती है, एक घंटे में कितने पेज पढ़ती है एक्स वाई फाइव, तो सात बटे तीन घंटे में कितना पड़ जाएगी 7xy 15, ये कितने घंटे में
7/3 घंटे में पढ़ लेगी, क्योंकि एक घंटे में कितना पढ़ रही है x/5, तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ जाएगी 7x/15। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो किताब का कितना भाग पढ़ना शेष बच जाता है, टोटल पेज कितने हैं x में से कितना कम करना है 7x/15, तो 15 एकम 15 से 7 गया, तो कितना बचा 8/15। कितना हो जाएगा आंसर 8/15। आई होप आपको समझ में आएगा, फिर से समझ लो, टोटल किताब मैंने मान ली x पेज की है, सीमा एक घंटे में जो पढ़ती है 1/5 भाग पढ़ती है, कितना 1/5 भाग किताब का, तो x बटे 5 भाग एक घंटे में, तो वो दो सही 1/3 घंटे पढ़ाई करती है, यानी कि 7/3 घंटे पढ़ाई करती है, 7/3 घंटे पढ़ाई करती है एक घंटे में x बटे 5, तो 7 का गुणा किया 7x/5 15 15। अब वो कह रहा है शेष कितना बचा, यानी कि इतना तो उसने पढ़ लिया, तो बचा हुआ कितना है x टोटल है, टोटल में से जितना पढ़ लिया उतना घटा दो, 15 एकम 15 में से 7 गए 8, ठीक है, तो कितना बचा x की वैल्यू 8/15 भाग उसको और पढ़ना है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन के हैं, पहले बेसिक वीडियो देखना है फिर इसके बाद इनको बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका 35/24, अच्छा ये थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसको छोड़ दे रहे हैं अभी। चलिए ये वाला देख लीजिए, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/2 2 4/3 5/6 9/7। 3/2 4/3 5/6 और 9/7 इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अब देखो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जब डिफरेंस कैसा हो, अलग अलग हो, डिफरेंस अलग अलग हो, इन दोनों के बीच में कितने 3 और 2 के बीच में अंतर 1 का है, इनके बीच में 1 का अंतर है, इसके बीच में 1 का है, और इसके बीच में कितने का है 1 का है, कितने का है 1 का है, और ये कितने का अंतर है 2 का, 9 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 2 का। तो अब ये देखो एक हमने तरीका बताया था कि अगर आप क्या करोगे, अंश बटे अंतर गुणे एलसीएम, अंश बटे अंतर गुणे एलसीएम, इसमें कोई क्रम पूछा होगा आपसे कि किस क्रम में आपको निकालना है। चलिए इसमें क्रम तो आपसे नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, क्रम नहीं दिया है, तो आपसे ये पूछा है सबसे बड़ी वाली भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी वाली, बड़ी से छोटी की ओर हमेशा अवरोही क्रम में चलते हैं, किसमें अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का पहला स्टेप आपसे पूछा हुआ है। तो अब ये देखो अंश कितना है 3 है, या थोड़ा अगर लेंथी लग रहा है तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 3 6 7 का एलसीएम ले लो, 2 3 6 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, 7 से डिवाइड है 6 से डिवाइड है 3 से डिवाइड है 2 से, तो अंश कितना है 3/, अंतर कितना है इन दोनों के बीच में 1/42, फिर कितना है अंश कितना है 4/3, अंतर कितना है 1/42, फिर कितना है 5/1/42, फिर कितना है 9/2/42, ये हो गया 3 × 6 3 × 12 126। फिर ये देखो कि इसके बाद आपसे पूछा है क्या 126 हो गया, हाँ 1 से काटेंगे फिर 4 से गुणा करेंगे 4 × 8 4 × 16 168 हो गया। चलिए ओके, 1 से ये 5 × 10 5 × 10 और 5 × 20 और 1 21 210 हो गया, फिर इसके बाद 2 से 21 बार कट जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 9 9 × 18। ये देखो इतना आपको क्लियर होगा, फिर आपसे पूछा है कि
निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी वाली भिन्न बतानी है आपको, सबसे बड़ी वाली भिन्न बतानी है, क्या करनी है, बड़ी वाली भिन्न बतानी है। तो ये देखो, जिसका जिसका मान सबसे छोटा हो, जिसका मान सबसे छोटा हो वो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। तो 126, 168, 210 इन सब में सबसे छोटा मान किसका है, 3/2, 126 किसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। इसका बेसिक देखने के लिए आप हमारे बेसिक वीडियो देख सकते हो फ्रैक्शन की, उसमें हमने टाइप बाय टाइप टोटल 10 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के वो हमने बता दिया। जिसका मान सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ये अनुचित भिन्न के लिए था, ठीक है। दो टाइप की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, यात्रा हमने मान ली उसकी यात्रा है x, कितने की है, x मीटर चलना है, क्या दो यात्रा का 2/5 भाग यानी कि 2/5 भाग किसका, यात्रा का, तो यात्रा कितना हो जाएगा 2x/5, 2/5 भाग ट्रेन से, एक तिहाई बस यानी कि 1/3 x/3 किससे, बस से, तथा एक चौथाई कार से यानी कि x/4 किससे जाएगा, कार से, तथा शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है, शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। अब ये देख लो, ये x को छोड़ दो, ये देखो पहली बार उसने किससे चला है, 2/5 भाग ट्रेन से, किससे जा रहा है, ट्रेन से, दूसरी बार में बस से, और तीसरी बार में कार से, किससे जा रहा है, कार से। इन तीनों को मिला दो, बकाया का जो भी चला होगा x में से, बकाया का जितना चला होगा वो पैदल चला होगा, शेष 3 किलोमीटर यानी कि ये देखो x में से xy1 मान लो कितना घटाना है हमें, ये घटा दो इसको, क्या कर दो, घटा दो, ये देखो इसमें से ये सब को जोड़ के घटा दो आपस में, और बराबर में कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा, कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो ये देखो 5, 3, 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 या 15 चौके 60, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, तो ये देखो 60x हो जाएगा, माइनस 5 से 12 दूनी 24x, प्लस 3 से 20 या 60 20x, 4 से 15x, ठीक है, 20, 15, 24, 44 और 15, 59, 60x माइनस का 59x अपॉन 60 इक्वल टू कितना है, 3/1 मान लो, तो एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई 60 इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 180 मीटर या किलोमीटर, जो भी आपका दिया हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में किलोमीटर में है, 180 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए, थैंक यू, प्रोग्रेसिंग।